तो 60 आएगा वो 90.50 मतलब 90 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, 90.5 एकड़ मान सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कमर्शियल नहीं है, कोई गांव नहीं है इस सेक्टर के अंदर, 60 सेक्टर के अंदर कोई गांव नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट की जो टोटल प्लानिंग है वो पूरी की पूरी है, गवर्नमेंट जो 60 सेक्टर है उसको पूरा गवर्नमेंट डेवलप करेगा, ठीक है। कोई गाँव नहीं है किसी प्रकार की, कोई कमर्शियल नहीं है। सेक्टर जो 61 आता है वो 344 एकड़ का आता है, उसके अंदर कमर्शियल नहीं है। गांव आता है एक जो 24.7 एकड़ का है और इसमें ग्रीन बेल्ट आती है 6.90 की। तो गवर्नमेंट की जो नेक प्लानिंग रहेगी वो 312 एकड़ की रहेगी, ठीक है, जिसमें फायर स्टेशन है 2 एकड़ का, 66 केवी ईएसएस है 3 एकड़ का और इसमें कॉलेज भी है 12 एकड़ का, ठीक है। 12 एकड़ का इसमें कॉलेज भी आएगा सेक्टर आपका 61 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेट प्लान अपना सेक्टर आता है 62, जिसकी टोटल एरिया जो इस सेक्टर का है वो 508 एकड़ का है और जिसमें कमर्शियल है वो 78 एकड़, इसमें कमर्शियल भी आती है अलग से। उसके बाद ग्रीन बेल्ट है 12 एकड़ की और नेट प्लान है उसमें 418 एकड़ गवर्नमेंट इसमें डेवलपमेंट करेगी 418 एकड़ को। हॉस्पिटल है 8 एकड़ का इसमें, ठीक है। उसके बाद सेक्टर 63 आता है 161.50 मतलब 161 एकड़ा मान सकते हो, कमर्शियल नील है, कोई गांव नहीं है, टोटल प्लान करेगी गवर्नमेंट इसको डेवलपमेंट करने के लिए 63 सेक्टर को, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्टर 63A, एक है जो 60 जो सेक्टर है सेक्टर 60 के सामने 63A, ठीक है। दूसरा 63A कहाँ है, यहाँ पे है जो 59 के दूसरी साइड है, रेजिडेंशियल है 63A, एक इधर हो गया सेक्टर 60 के सामने, फिर दूसरा 59 के सामने। तो जो ये एरिया है ना ये पूरा 63A का एरिया है, इधर ये 63A है, 63 इधर है, 63A इधर भी आता है, ठीक है। तो इसकी जो टोटल जो एकड़ लेंथ है 63A की जो रेजिडेंशियल है वो 394 है, इसमें कोई कमर्शियल नहीं है। अंडर सेक्टर रोड जो रहेंगे आपके 15.70 एकड़ के, ठीक है, एरिया अंडर सेक्टर रोड जिसके अंदर जो अंदर के जो रोड का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 15.70 एकड़ का। इसके अंदर आपके जो गवर्नमेंट प्लान करेगी वो 378 एकड़ के अंदर इसमें प्लान है। हॉस्पिटल 8 एकड़ का है, ईएसएस आपका है 30 एकड़ का,